हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वैसे तो आज संडे है, लेकिन आज मेरी इनविजिलेटर की ड्यूटी है। एक एग्जाम है स्कूल में, जल्दी उठा हूँ और चपाती बना दी है। बहुत छुटकू सा चपातू बनाया मैंने। जल्दी आ गया मैं, और ये फौजी सर मिल गए मुझे, तो चाय पी रहे हैं हम। और सामने देखो, ये पहाड़ी पूरी ढक गई है बर्फ। रात को ठीक स्नोफॉल हो गया। सब 8 हो गए गाइस, शाम के। मैं 4 बजे सोया था, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोड़ दें तो अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 घंटे में सो लिया। अभी रात को क्या करूँगा यार? रात को नींद आएगी क्या? अभी क्या करना है? भूख भी लग गई है, डिनर बनाना होगा। देखता हूँ किचन में क्या है बनाने को। तो किचन में यहाँ पर बची थी मेरे पास थोड़ी गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, इनको मिक्स कर लिया मैंने। और यहाँ पर ये तड़का, प्याज, अदरक, मिर्च काट ली है। ये आलू मेरा इधर बहुत बड़े वाला आलू खराब निकला यार। और कढ़ाई कहाँ है? कढ़ाई मिसिंग है यहाँ। ये कढ़ाई, और कढ़ाई में आ गया ये तेल। आई थिंक इतना सफिशियंट होगा। तेल गरम, जीरा डाल दिया, लहसुन, प्याज, थोड़ी पिसी मेथी, पिसा धनिया थोड़ा सा। हाँ गाइस, मैं सोच रहा था कि कुछ मिसिंग है, मिसिंग है। टमाटर डालना भूल गया मैं। और सोचते सोचते ही मैंने तड़का भी जला दिया। काला काला दिख रहा हो आपका यह? आपको ये नमक डाल देते हैं। ढक दिया मैंने, और इधर जब तक सब्जी रेडी होती है आटा गूंथ लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया ये बाइंड करके रख दिया। तो मैंने 4 बॉल बनाए हैं मैंने, बड़े वाले। ये देखो इतना बड़ा बॉल। ये आटा रेडी है, तवा रेडी है, बनाने का प्रोसेस करता हूँ स्टार्ट। ये चपाती हो रही है रेडी, मेरी चपातियाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया फूल के। तो ये सब्जी भी देख लेते हैं कैसी बनी है। ओह माय गॉड, कलर कुछ ज़्यादा ब्राउन नहीं लग रहा? फोन में ज़्यादा ब्राउन लग रहा है वैसे। बढ़िया, और मुझे कलर भी यही वाला है, रेडिश जैसा, ये वाला ज़्यादा पसंद है। तो बन गई है सब्जी मेरी, और इधर लास्ट वाली चपाती। तो ये डिनर आ गया मेरा, घी के साथ बनने वाला हूँ मैं। डिनर तो हो गया, बर्तन धोने बाकी हैं। बर्तन धो लिए और बेड पे आ गया हूँ। ब्लॉग को एंड करते हैं और कल के ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।